नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लाहौर फिल्म एंटरटेनमेंट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पिक्सल लाइव के बारे में। पिक्सल लाइव फोटो एडिटिंग है, सॉफ्टवेयर है, और आज हम जानेंगे पिक्सल लाइव पूरा ट्यूटोरियल, मतलब कैसा क्या क्यों सब आज हम सीखने वाले हैं। पिक्सल लाइव पहले डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, तो जाइए प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद सिंपली यहाँ पे आप पिक्सल लाइव सर्च कीजिए। पिक्सल लाइव सर्च करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको पास मिलेगा, इसी वाले देखिए। बहुत सारे तरीके का मिलता है, पर ये जो इस आइकॉन का बना हुआ ही पिक्सल ऐप आप डाउनलोड कीजिए, इसको ओपन कीजिए। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे कि ये आप लेकर आता हूँ और बताता हूँ ये क्या है। आप इसके बारे में आप जान गए, यहाँ से ये क्लिक करेंगे तो ये आएगा, और उसके बाद हमें ये टेस्ट को पहले डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है आर्ट, ये आर्ट है जहाँ पे आप इसको प्लस का आइकन दबाएंगे, उसके बाद ऐसा कुछ आएगा, और ऐसा आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो मतलब ये आपका टेस्ट है ना, ये टेस्ट के अंदर ये फोटो आएगा। ये गैलरी से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें फोटो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेटे एडिटिंग, ये टेस्ट को एडिटिंग करने के लिए देता है, तो हम पहले एडिटिंग कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अपने कुछ भी लिख लेना आपको, मैं लिख लेता हूँ दोस्तों, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो फिर से आप क्लिक करके जाकर इसको चाहिए कुछ मतलब चाहिए तो उसको कॉपी भी कर सकते हैं। आपको ये दूसरा मैसेज आ जाएगा, तो इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इसे फिर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद टू फॉरवर्ड का इसमें ऑप्शन दिया होता है, इसमें क्लिक करेंगे, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। और उसके बाद ये वाला है जो आपको इसको मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का भी इधर उधर करना पड़ता है, जहाँ से करने के बाद ऐसा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो अच्छे से पैसे रखने के लिए इसको आप रिमूव कर सकते हैं। इससे ऊपर ले जाने के लिए ये वाले सिंबल के लिए, इसको नीचे वाले लाने के लिए इस वाले को, उसके बाद इसको ओके कर देंगे। उसके बाद ये आपको मतलब दिखाता है सीधा, मतलब आपको सीधा बीच में करना है तो इसको क्लिक करना पड़ेगा, और ये ऊपर से नीचे वाले जगह से इसको मतलब आपको करना है, तो इसमें दबाकर इसको यहाँ दबाएंगे तो एकदम सीधा चारों तरफ से बीच में हो गए। अगर आप राइट साइड करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड करना पड़ेगा इसको क्लिक कीजिए, डाउन करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कीजिए, सबसे ऊपर करना चाहते थे ऐसे क्लिक कीजिए, तो हमें इसको बीच में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम टेस्ट में जाएंगे, ये डबल टी का ऑप्शन दिया है, वो सी से मतलब इसको यहाँ से आप इसको छोटे बड़े कर सकते हैं, इसे यहाँ से करके कर सकते हैं। अगर ऐसा आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप ये माइनस वाले पर क्लिक करके, ये माइनस पर क्लिक करेंगे तो छोटा होगा, ये प्लस वाले पर क्लिक करेंगे तो बड़ा होगा, हम इतना ही बड़ा रख सकते हैं। उसके बाद इस पर आता है पेनिंग का, इसको ऐसे करेंगे तो इस तरफ से ऐसा होगा, उसके बाद ऐसे करेंगे तो ये बढ़ेगा, मतलब इसमें मतलब आपको जो ये टाइपिंग का ऑप्शन दिया होता है, वो टाइपिंग का ऑप्शन मतलब आप मतलब थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद
बाद में आता है कलर, आप कोई भी यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। सिंपली ये कलर था ये, तो ये वाला है, उसके बाद ग्रेडियंट वाला है, तो ग्रेडियंट वाला में इसको ऐसे कर सकते हैं ये में, और यहाँ प्लस वाले आइकन पर दबाएंगे तो यहाँ पे ऐसा होता है। इसके बाद ये कलर सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद इसमें प्लस करना चाहते हैं कोई दूसरा कलर तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर प्लस पर दबाइए आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से ला कर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे दबाएंगे तो ऐसा कुछ होगा। उसके बाद यहाँ पे ये कलर आ गया है तो हम यहाँ पर क्लिक करें, ओके कर देंगे तो कुछ इस तरह का सा आ गया है, मतलब पूरा अच्छा तरीके से नहीं आया है। तो हम फिर से इसको जाएंगे और ये है, इसको हम लोग इधर रिमूव करेंगे, इधर रिमूव करने के लिए ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको डायरेक्टली मैं यहाँ से ले लेता हूँ, उसको ओके करता हूँ। देखिए कुछ ऐसे इस तरह का दिखाई देगा, अगर आपको सिंपल चाहिए तो ये जाइए, अगर इससे ज़्यादा सारा कॉलर चाहिए तो फिर यहाँ से कोई भी आप ऐसे करके ऑप्शन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं इसका, ऐसे कर सकते हैं। गाढ़ा चाहिए तो यहाँ पे कीजिए, गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद कर लेते हैं, ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको वाइट कर लेता हूँ या ये वाला कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे जिसमें, इसमें आप गैलरी से कोई फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिए, आपको वो काम देगा। जैसे कि आप गैलरी में कोई टेस्ट मतलब कुछ अच्छे डिजाइन से दिखाना चाहते हैं तो गैलरी में सिलेक्ट कीजिए अपना, आपका फ़ोटो हो या आप मतलब कुछ भी हो, तो मैं इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओके कर देंगे। सुबह देखिए जैसा मतलब वो घर था वैसा ही ऐसे इसके अंदर वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसको डिलीट करने की ऐसा नहीं लगता है, आप रखना हो तो ये रख सकते हैं इसमें से, इतना ही समझिए कि इसमें फोटो ये टेस्ट वाली जगह पे फोटो लगा सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटिविटी, इसमें जाने के बाद ये भी खास यूज में नहीं आता है, जैसे मतलब आप कुछ भी टेस्ट करते हैं या बैनर बनाते हैं, यूट्यूब का बैनर बनाते हैं या लोगो बनाते हैं ना, तो उस जगह पे या अपने फोटो डालना चाहते हैं तो उसको यहाँ से थोड़ा दिखाना चाहते हैं या पूरा ही दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे ये शो करता है। उसके बाद रोटेशन में जाइए, रोटेशन आपको ये ऐसा 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 रोटेशन कर सकते हैं इसको आप सिंपल, और फोन्स में जाते हैं इस पर क्लिक कीजिए, आपको जो भी अच्छा लगे, बहुत सारे यहाँ पे हर एक तरीका का है, आप कुछ भी इसमें से सिलेक्ट करिए जो आपको अच्छा लगे, आप खुद डिजाइन कर सकते हैं। इसमें फोन दिखाई देता है अक्सर, किस तरीका से मतलब आप कौन से क्वालिटी में चाहिए वैसा आपको दिखाई देगा यहाँ से। उसके बाद इसको तो आप जानते होंगे, इसके इससे मोटा होता है, इसके थोड़ा तो तीखा होता है। इसमें करने के बाद ये अंडरलाइन डाउन साइड में अंडरलाइन दिखाई देता है, और ये आपको मतलब इसे कर रहे हैं आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, इसको पूरा ख़त्म करने के लिए यहाँ से आप फिर से कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड, ये आपकी टेस्ट टेस्ट का बैकग्राउंड किस कलर का रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते तो बैकग्राउंड को खाली जरूरत नहीं पड़ता है, पर रखना चाहते हैं तो बैकग्राउंड यहाँ पर आप रख सकते, कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, तो हम अभी बैकग्राउंड नहीं रखेंगे। उसके बाद आता है लाइन, जैसे कि ये हमारा राइट साइड में दिखाना चाहते हैं, जिसमें दिखाना चाहते हैं या लेफ्ट साइड में दिखाना चाहते हैं, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा टेस्ट का बीच का स्पेस है, बीच का जो खाली जगह है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये वाला है ना, जैसे कि ये हमारा टेस्ट एक ही है, यहाँ पे हम दो और कुछ ले लेते हैं,
जैसे कि सब्सक्राइब लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ओके कर देंगे। इसका काम रहता है ये, जैसे ये दो लाइन वाला है ना, इसको पास में करे या दूर में रखे, बहुत दूर में रखना चाहते तो इसे लाइए, बहुत पास में रखना चाहते हैं तो यह करेंगे, इसके काम ये है। उसके बाद ये है ना, इसको आप यहाँ से इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद इसके आप जो टेस्ट लिखे हुए हैं उसके बगल में एक कलर का सैम्पल छोड़ेगा आपके लिए, कलर छोड़ेगा आप उसको यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी कलर अच्छा लगे उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको ज़्यादा कर सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। देखिएगा आप ध्यान से, हर एक किसी के बैनर में यूज किए होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे बैकग्राउंड, मतलब पीछे हल्का सा दिखाना है या गाढ़ा सा दिखाना है यहाँ से आ जाता है बैकग्राउंड। आपको चाहिए तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। ये है लाइटिंग का, ये आपको ऐसा मतलब लाइट देगा, यहाँ से लाइट बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं इस हिसाब से। उसके बाद ये है 3D, इसको ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर से ऐसा कीजिए, इसके बाद ऐसे घुमाना चाहते हैं, ऐसे डिजाइन देना चाहते हैं ऐसे कीजिए। उसके बाद ये है 3D टेस्ट, 3D टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पीछे की तरफ भागा 3D वाला, तो इसको कम भी कर सकते हैं, माइनस पे क्लिक करके उसके बाद बड़े कर सकते हैं, उस जितना बड़ा चाहते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं, इसको ऐसा बड़ा कर सकते हैं, तो हम अभी इसको कम ही रखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसको इसका पीछे वाला जो भाग रहा है ना उसका कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, तो कलर पर क्लिक कीजिए। कलर पर क्लिक करने के बाद इसका ऐसा खुल जाएगा, ऐसा खुलने के बाद आपको ऐसा यहाँ पे चूज करेंगे, सॉरी यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, हाँ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको फिर वही वाला पहले वाला स्टेप जो था तो वहाँ पर कर दिया होता है। आगे जाने के बाद इसका परछाई जो दिखाया जाता है, परछाई आप कौन सी कलर में रखना चाहते हैं, इसका परछाई दिखाना चाहते हैं इसको इनेबल कीजिए, नहीं दिखाना चाहते इस तरफ दिखाना चाहते हैं इसको ऐसे दूर कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ड्रॉ इसका, इसको जब आप इनेबल करेंगे तो इनेबल करने से करते ही आपका यहाँ से इसका जो आप टेस्ट लिखे है उसका ठीक अपोजिट दिखाई देगा, ठीक ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो आप इसको कितना दूरी में दिखाना चाहते हैं यहाँ कीजिए, कितना लग में दिखाना चाहते हैं ऐसे कीजिए, क्या नहीं दिखाना चाहते आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये रहा टेस्ट के बारे में। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे जहाँ से स्टिकर मिल जाता है आपको, आपको स्टिकर मिल जाता है इस तरह, कुछ स्टिकर मिल जाते हैं, आप कोई भी स्टिकर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये वाला है तो इसी को इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला स्टिकर दिया जाता है, ऐसा कुछ दिया है, बहुत सारे स्टिकर हैं, आप यहाँ से स्टिकर ले सकते हैं, मैं एक ले लिया हूँ। उसके बाद यहाँ फिर क्लिक करेंगे, इसको फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इम्पोर्ट मतलब आप अपने गैलरी में से अपना अपना पिक्चर डालना चाहते हैं तो अपने गैलरी में से कोई एक फ़ोटो यहाँ पे चूज कर लीजिए, जैसे कि मैं अपने फ़ोटो ले लेता हूँ। ये रहा मैं एक अपना फोटो ले लिया यहाँ से, और इस फोटो को एडिटिंग करने के लिए सेम वैसा ही है, जैसे कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद डिलीट कर सकते हैं, उसके बाद इसको क्रॉप कर सकते हैं, आपको मतलब कितना फ़ोटो चाहिए इसको, मतलब आप का जो इच्छा हो इसको आप ऐसे कुछ कर सकते हैं, ऐसा ऐसा दिखा सकते हैं।
उसके बाद इसको इसे दिखा सकते हैं यहाँ से, आप यहाँ से एंगल भी सेव कर सकते हैं, इस एंगल में आपको चाहिए फोटो, उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका यहाँ पे ये भी होता है गोला सा दिखाई दिखाना चाहते हैं तो ऐसा दिखा सकते हैं, और उसके बाद इसको कॉपी कर सकते हैं सेम सेम जैसे कि वैसे जो टेस्ट में आपको बताया था वैसा ही है। इसमें कलर टेस्ट वर्जन कलर, फिर इसमें एक प्लस में ये है जो आप इसको कलर फिल्टर कर सकते हैं। आप पहले फोटो को सेलेक्ट कीजिए, उस फोटो को यहाँ से आप मिला सकते हैं, फोटो को कुछ मतलब अलग कलर में चेंज कर सकते हैं, कलर फिल्टर है यहाँ पे, और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद इसमें सेम स्ट्रोकट वही है, इसको ओपन करते ही इसको वैसा दिखाई देगा, और यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं, छोटा कम बस कर सकते हैं, और उसमें एक ये है इरेजर है जो आप टेस्ट को नहीं मतलब ये फोटो को यहाँ पे इरेज कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे काट सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको इसे डायरेक्टली सिलेक्ट भी कर सकते हैं तो इतना इसका कट जाएगा, और यहाँ प्लस वाले आइकन को दबाएंगे तो भीतर का कटेगा, इस वाले आइकन को दबाएंगे तो बाहर का कटेगा, तो हम कोई नहीं काटेंगे, इसको अंडूज कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद ये रोटेशन सेम है, उसके बाद ये रोटेशन ये भी सेम है, ये 3D स्पेस वाला ये भी सेम है, सेम वैसा ही आपको दिखाई देगा, वैसा ही काम करेगा, सेम जो टेस्ट में आप सीखे थे वही है इसमें, और उसके बाद ये सब सेम सेम रहता है एक वो इरेजर के अलावा। उसके बाद हम ये चौथे नंबर वाले पे क्लिक करते हैं, चौथे नंबर वाले पे ये दिखा देते हैं, जैसे कि इसमें ये बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड के बारे में इसमें होता है, जैसे कि बैकग्राउंड आपको मतलब कौन सी कलर चूज करना है, यहाँ पे कलर इसको कलर चेंज कर सकते हैं, ये है यहाँ पे कलर सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद आपको मतलब कलर नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए कुछ भी नहीं चाहिए तो, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है जैसे कि आप यहाँ पे आप इसका जो एस्पेक्ट है रोटेशन है वो आपको यहाँ पे चेंज करने के लिए मिलेगा, तो अभी ये कस्टम में है तो हम कस्टम से जैसे कि आपको थंबनेल बनाना है इसमें दिया होता है, यूट्यूब चैनल बैनर दिया होता है, यूट्यूब बैनर यूट्यूब थंबनेल दिया होता है, फेसबुक कवर आर्ट दिया होता है, गूगल प्लस कवर फोटो दिया होता है, ट्विटर हेडेड इज दिया होता है, तो आप मतलब जैसे कि फोटो का थंबनेल या मतलब यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद में ये इतना दिखाई देगा। यहाँ से आप इसको इसमें मतलब कुछ इस तरीका का इमेज भी रख सकते हैं, इसलिए कुछ अच्छा बैकग्राउंड रख सकते हैं, और आप अपने गैलरी से भी चूज कर सकते हैं, गैलरी से भी आप फोटो चूज कर सकते हैं, जैसे आपका मनपसंद या कोई फोटो हो तो आप गैलरी से भी जाकर चूज कर सकते हैं, और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस वाले 16.9 वाले पे क्लिक करने के बाद ही आगे जाकर बढ़ाइएगा, उसके बाद गैलरी सेलेक्ट कर लेंगे, कैमरा से भी आप डायरेक्ट रोटेट करेगा पूरा बैकग्राउंड पूरा फोटो को रोटेट करेगा, उसके बाद इसमें मिनट करेगा, इसको इनेबल करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो इसको ऐसे कीजिए, उसको अनाउंस कीजिए, इसको इनेबल करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो हम भी इसे यहाँ से कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें फिर दिए होते हैं, ब्राइटनेस ब्राइटनेस दिया होता है, कॉन्ट्रास्ट दिया होता है, टोन कलर दिया होता है, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, उसके बाद इस पर एक्सप्रेशन दिया होता है, आपका डिश अच्छे फोटो एडिटर है। उसके बाद हम लोग ऊपर चलते हैं, ऊपर जाने के बाद इसमें कॉपी दिया होता है, स्पीड पर्सन दिया होता है, ये वाला है जो थोड़ा कम करने वाला जो
ये वाले यहाँ पे जो हम लोग सीखे थे, ये टेस्ट का है, टेस्ट के लिए होता है यही सब। यहाँ पे ये पेन वाले सिंपल पे दिया होता है, यहाँ पे आप टेस्ट को कॉपी कर सकते हैं, ऐसी छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो ऐसे डिलीट कर सकते हैं। अगर ये पूरा आपको मानिए कि यहाँ से आप छोटा 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 कुछ रखने के बाद से आप ये वाला इमेज सेव करते हैं तो ये नहीं हो रहा है, तो इसको मतलब जगह होने के बाद ऐसे करते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो टेस्ट प्लस का आ जाएगा, कोरेंट डेट आ जाएगा, उसके बाद स्टिकर आ जाएगा, उसके बाद स्पेस आ जाएगा, उसके बाद गैलरी मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ये वाला, तो हम इसको ले लेते हैं। आपको जैसे कि आप आज की कोई फोटो बनाना चाहते हैं, उस पर डेट डालना चाहते हैं, तो कोरेंट डेट यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऑन डिस आपको बता ही दिया हूँ, उसके बाद जूम मोटर से कि आपको ये पूरा को तो जूम करना है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इसको आप जूम भी कर सकते हैं। ये हो जूम, उसके बाद फिर इसको दूसरा काम करने के लिए इसको यहाँ से बंद कर देना पड़ेगा, उसके बाद ये जूम नहीं होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये होता है, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई फोटो बना रहे हैं, आपको दूसरा कोई काम आ गया, तो यहाँ से आप इसको सेव प्रोजेक्ट, सेव इस प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिए, उसको वो प्रोजेक्ट आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर आप आइएगा तो प्रोजेक्ट में जाकर आप अपना मतलब फोटो फिर से उसी फोटो को एडिट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ से इसको सेव कीजिए। और सेव करने के लिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे ये PNG रखिएगा। PNG रखने के बाद अगर आप फेसबुक बैनर बनाना चाहते हैं या फेसबुक में यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाहते हैं, इससे कोई यहाँ पे ये वाला देता है आपको ऑप्शन देता है। ये फोटो है ना, ये आपका कितना लेयर में बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका हर एक लेयर दिखाई देगा, कौन से लेयर पर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं। यहाँ से आप इसी फोटो को लॉक कर देंगे तो उसके बाद इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे या इस पर कोई काम नहीं कर पाएंगे करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप काम कर सकेंगे। इसको हम अभी बता देते हैं, वहाँ से इसे करेंगे तो ये पूरा दिखाई देगा, ऐसे करेंगे थोड़ा ही दिखाई देगा, उसको फिर से कुछ कर देते हैं, उसके बाद ये अंडरलाइन दिखाई देता है। अंडरलाइन कहाँ चाहिए ऐसा कुछ मतलब, तो आप कलर भी कर सकते हैं, जैसे जाइए यहाँ पे ये अंडरलाइन के ये कलर होगा चाहिए कलर होगा, उसके बाद इसको एक्स्ट्रा करेंगे, यहाँ पास में हो गया इस तरफ की ओर से, उसके बाद यहाँ पे भी ऑनलाइन दिया होता है, नहीं चाहिए तो यहाँ पे ये वाला क्लिक कीजिए हो जाएगा, नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक हटा दीजिए। हाँ, क्लिक करने के बाद जैसे आप कुछ लिखना चाहते हैं इसमें, इसके बारे में कुछ, इफ यू वांट टू सिक्योरिटी यू कुड नॉट स्ट्रिक ऑफ आउट ऑन डेली, कुछ कुछ इसमें से लिखा होता है, इसीलिए आपको इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको बहुत सारे इसमें लिखा होता है। चलिए हम यहाँ पे एंड करते हैं, इसके बारे में पूरा प्रोसेस आपको बता ही दिया हूँ सब पर। और आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।